अकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिरहा पंचायत इटवा गांव में खेत में गई महिला को बिजली के करंट लगने से हो गई मौत। अकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिरहा पंचायत इटावा गांव का मामला है। खेत में गई महिला जब घर वापस हो रही थी उसी समय बिजली के करंट लगने से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ही रंजीत प्रसाद कुशवाहा ने खेतों में सब्जी की खेती किया है और सब्जी की खेती को सुरक्षा के लिए खेत के चारों तरफ बिजली का तार लगा दिया है और उसमें 24 घंटा बिजली प्रवाहित कर देता है। घटना आज सुबह 6 बजे की है। मृतक का नाम कुंती देवी है। मौके पर प्रशासन पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत में, प्रदीप कुमार। अभी मैं पकड़ीदल थाना क्षेत्र के सिराहा पंचायत के इटवा ग्राम में हूँ और मामला यहाँ आया है कि एक किसान जो सब्जी का खेती करता है और वहाँ पे लगातार वायर जो है पूरे खेत जो पगडंडी है सभी तरफ से घेर दिया है, जिसके कारण एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। उसको लेकर यहाँ के ग्रामीण इकट्ठा हुआ है। हम जानना चाहते हैं आखिर यह मामला कैसे हुई है, घटना कैसे घटा है, कैसे घटना घटा है। घटना तो घटा है कि सुबह करीब 6 बजे करीब में हम लोग को रूट पड़ता है लेटरिन पर पैखाना करने के लिए और उनका ये घराड़ी है, यहाँ पर पहले घर था, अब ये लोग यहाँ से चल गए हैं वहाँ पे। और ये लोग सुबह के समय खादर गोबर बिगने के लिए अपना खेत देखने के लिए आती है। वो महिला आई है अपने खेत के तरफ में, अब शौच करने आई हो या गोबर बिगने आई हो, इसी के माध्यम में आए। उस वो नहीं जान रही थी कि हाँ इसमें करंट लगाए हुए हैं। वो अपने सब्जी खेती में करंट चारों तरफ से, आप देख लिया जाए कि चारों तरफ से करंट लगाया गया, अलनिगल तार लगाया गया है और उसी के माध्यम से उस औरत को पैर पिछलने की वजह से वो गिरी है और वो सट के मरी करंट के चपेट में जी करंट। इनका कहना है कि महिला काम या किसी और के बहाने आई थी, लेकिन हुआ क्या है कि जब महिला पगडंडी पकड़ कर अपने घर वापस जा रही थी तो पैर पिछल गया है और आप देख रहे हैं कि लंगा तार है, ये लंगा तार है, यहाँ कोई भी वार नहीं है इसमें और इसमें 3-4 जगह से इसमें करंट लगा दिया जाता है शाम सवेरे जब उसको समय मिलता है तब। और इतनी बड़ी घटना घटा है कि पैर पिछलने के कारण महिला पगडंडी से गिर गई है और बिजली के तार के चपेट में आने से उस हमारे साथ एक महिला, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर यह घटना कैसे घटा है, कैसे घटना घटा है। वो एक आदमी हमको बोला है, नाम रख के रखा है नाम कि हाँ रामनारायण सा, अब बोले हैं कि चलिए बल उनके अनुरोध के माँ को करंट मार दिया। तो माँ के देखे हैं तो पूरा उलपटा हुआ था, हाथ हाथ में पूरा करंट लगा हुआ था और कठौती था, स्टील का गोबर फेंका रही थी उधर फेंका हुआ था। तो फिर हम गए हैं तो बोले हैं कि करंट काटिए आप लोग, तो फिर करंट कटवाए हैं, फिर अपने घर के लोग करंट काटा है, तब हम लोग आए हैं तब जाके देखा, तब जाके लोग तार छुड़ाया है, उनका लड़का मेरी बेटी वो लोग हाथ में से तार निकाला है। अब देखिए पूरी घटना जो कहा जाए ये महिला देखी है और इनका कहना है कि एक आदमी जब घटना घटा है तो रास्ते से जा रहा था, वो भी प्रयास किया है कि महिला को बचा ले, उसको भी करंट लग गया है, वो भी भाग गया और गांव में जाकर ग्रामीणों के द्वारा हाला किया, उनके द्वारा हाला किया है, ग्रामीण के द्वारा आया गया है। R9 भारत के लिए पूर्वी चंपारण से रिपोर्ट। मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र के पिरारी गांव में ओम खाद भंडार में जब मीडिया टीम पहुंची तो वहां पे यूरिया का सुरक्षित वितरण पाया गया। किसान से बात करने पे पता चला कि हम लोग यूरिया 267 रुपए प्रति बोरा से खरीद किए हैं। दुकानदार के कथानुसार कल उनके पास 200 बोरा आया था, इसका मैंने 266 रुपए के हिसाब से बिक्री किया जिसमें कुछ और बचा है जो अभी बिक्री जारी है। कुछ समय पहले जब किसानों को जरूरत थी तब सरकार यूरिया मुहैया नहीं करा पाई, किसान जैसे तैसे करके काम चलाया मगर आज आवश्यकता कम है तो यूरिया आसानी मिल रहा है। आपका नाम क्या हुआ भैया? ये ओम खाद भंडार जो है आप इसका ओनर हुए? अभी यहाँ पे हम आए हुए हैं तो देख रहे हैं कि आपके दुकान पे जो है भीड़ काफी कम है। आपके पास जो है खाद कितना आया हुआ था? 200 बोरा। कब आया था खाद? उसमें कितना वितरण हो गया? वितरण तो हो गया कल 135 बोरा, 66 बोरा बचा हुआ। कहीं से कोई दिक्कत वितरण में? 63 बोरा बचा हुआ है आज। वितरण में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम देखे थे किसान लोग यहाँ पे काफी मारामारी की जैसा भीड़ में पूरा इकट्ठे थे, मगर अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरा दुकान खाली खाली दिख रहा है और खाद आपके दुकान में भी दिख रहा है, ऐसा क्या कुछ इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जितना लोग आए थे उतना लोग लेकर गए, सभी लोग संतुष्ट हो गए, लोग आ रहे हैं उतना लोग लेकर जा रहे हैं। यानी आप जो 200 बोरा लेके आए हैं उसमें लोगों को दिए हैं, अभी उसमें बचा भी है और पब्लिक आपसे संतुष्ट भी है, किसान संतुष्ट भी है। आपका देने का जो रेट है वो क्या है प्रति बोरा? 266 रुपया। भैया आप इसमें किसान हुए? आप यहाँ से खाद लिए हैं, कितना खाद लिया है? दो बोरा। दो बोरा कितना रुपया लगा है आपका?
266 एक बोरा का 266 यानी दो बोरा का 532 रुपया। आपका नाम क्या हुआ भैया? कहाँ घर हुआ आपका? आपको खाद यहाँ कितना मिला है? दो बोरा। कितना रुपया एक बोरा का? कहीं से कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आपको बता दे, बताते हुए खुशी होती है। भैया आपका परिचय? अभी किसान को आप लोग यूरिया दिए, खुशी की बात है। जानते हैं कि यूरिया यहाँ पे अब उतनी तंगी नहीं रही। किसान तो अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास आए हैं, खड़े हैं, आपके पास यूरिया बचा भी है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि अब जो किसान आएंगे निराश होकर जाएंगे या उसको मिलेगा? किसान जो भी आएंगे सब किसको मिलेगा। R9 भारत के लिए धर्मेश गिरी की रिपोर्ट, मैनाटांड से। खबर रोहतास जिले के प्रखंड दावत व संझौली से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव आज दावत प्रखंड सहित संझौली प्रखंड में चुनाव के निर्धारित समय अनुसार प्रारंभ हुआ। चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई। जिले के आरक्षी अधीक्षक आशीष भारती ने चुनाव क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदाताओं से बात करते हुए नजर आए। दावत प्रखंड के मॉडल मतदान केंद्र राजकीय मध्य विद्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रथम चरण चुनाव तहत जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य व पंच पदों के लिए मतदान जिला के दावत एवं संझौली प्रखंड में शांति व सौहार्दपूर्ण हो रहा। अभी तक किसी भी अप्रिय घटना या कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी सहित पुलिस बल सभी मतदान केंद्र बूथों पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। वोट दिलाना है ये आपके कौन लगते हैं? बाबा लगते हैं। इनकी उम्र क्या होगी? 90 साल। आप ऐसे स्थानीय रहने वाले कहाँ से? दावत के। किस पंचायत से पाते हैं? दावत की पंचायत। दावत पंचायत से आते हैं। अच्छा बाबा, बाबा से बात नहीं की, बाबा बात कर सकते हैं? इलेक्शन का वो 5 o'clock है, उस समय बूथ पर जितने भी लोग रहेंगे, चाहे 100 रहे, 200 लोग रहे, सभी लोग वोट डालेंगे। उसके बाद ही वोटिंग समाप्त होगा, भले वोटिंग जो है 7:30 तक की काहे नहीं जाए। लास्ट समय में जितने लोग उपलब्ध रहेंगे वो सभी लोग वोट डालेंगे। फिंगर प्रिंट मशीन काम नहीं कर रहा है हर जगह, उसके लिए क्या है? फिंगर वाला इसी साल से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट इलेक्शन है तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। बहुत जगहों पे समस्याएं हुई है, तो ये एक प्रकार का अभी समझिए कि हम लोगों ने सिर्फ इस टाइप से रखा है कि आज हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं, नेक्स्ट फेज से और सुधार करेंगे। सर, अति संवेदन बूथ के लिए क्या आपकी व्यवस्था है? अति संवेदनशील बूथ पे फोर्स का इंतजाम है, सफिशियंट संख्या में हम लोग का फोर्स है, तो कोई दिक्कत के अभी तक सूचना नहीं प्राप्त। सर, बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था है? बुजुर्गों के लिए हम लोग का जो इंतजाम है वो एकाध दो बूथों से शिकायत हुई है कि नहीं इंतजाम है, तो उसके लिए नेक्स्ट फेज से हम लोग और ज्यादा सतर्क रहे। विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर वगैरह का व्यवस्था बूथ पे इंतजाम करने का गाइडेंस था, लेकिन संभव है एकाध दो बूथों पे नहीं हो पाया है, उसको नेक्स्ट फेज से सुधारेंगे हम लोग। R9 भारत के लिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट, बिहार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जारी। जानकारी के अनुसार मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड में पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। वहीं मतदान संख्या 6 पर बायोमेट्रिक खराब होने के कारण 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। वहीं 12 बजे तक पूरे प्रखंड में 20% मतदान हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात्रि तक मतदान जारी रहेगा। R9 भारत के लिए। आवेदन जमा होने के बाद भी अभ्यर्थियों को बूथ पर जाने की अनुमति का आवेदन पत्र पर अनुमोदन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग 2 दिन से प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को स्वीकृति वाला अनुमोदन पत्र नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम लोगों की क्षेत्र में मतदाताओं से संपर्क करने में परेशानी हो रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार प्रसाद ने बताया कि चूंकि अभी सारे कर्मचारी EDM की सीलिंग में व्यस्त है, इसीलिए जल्द ही मैं सभी आवेदनों पर हस्ताक्षर कर सभी अभ्यर्थियों को अनुमोदन पत्र निर्गत कर दूंगा, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं होगी। R9 भारत के लिए जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट, टेटिया, बम्बर, मुंगेर। गुरुवार के दिन मझोलिया व्यापार मंडल परिषद में भाजपा अनुसूचित जाति की बैठक में 80 कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। इस समारोह की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रामेश्वर राम ने की। प्रदेश नेता अनिल राम, जिला से आए अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कृष्ण पासवान, अनुसूचित जाति के महामंत्री सत्य प्रकाश, जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ, आंचल नारायण शर्मा, कमल मुखिया, जयप्रकाश कुमार, प्रभु शाह आदि ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। भाजपा अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए पूर्ण मांझी, अच्छेलाल हजरा, भिखारी
कुमारी हजरा आदि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के महिला जिला संयोजक रंजना देवी भी उपस्थित रही। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझोलिया पश्चिमी चंपारण से। मझोलिया पुलिस ने की छापेमारी, जिसमें 4 लीटर देशी चुराई शराब बरामद हुई। कारोबारी भागने में हुआ है सफल। पुलिस के आवेदन में हुई प्राथमिकी दर्ज। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि थाना कांड संख्या 527-21 दिनांक 22 सितंबर 2021 धारा 30(1) बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के नामजद अभियुक्त जौकटिया बड़ा मलाही टोला निवासी बिकाऊ शैनी के घर पुलिस ने की थी छापेमारी, जिसमें 4 लीटर देशी चुराई शराब बरामद। वहीं कारोबारी पुलिस को देखते ही भागने में सफल रहा। कांड के अनुसंधानकर्ता सुरेश राव ने बताया कि जल्दी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझोलिया पश्चिमी चंपारण से।